गाइस मुझे एक ही टेंशन था भाई, हमारे फीमेल फ्लोरॉन और मेल फ्लोरॉन का भाई ये एक दूसरे के साथ लड़ाई ना करे। और भाई ये एक दूसरे के साथ अभी दोस्तों बहुत अच्छे से सेट हो चुके हैं। देखो गाइस अभी ये लड़ भी नहीं रहे हैं, कल थोड़ा बहुत मैंने देखा था भाई इनका ये लड़ रहे थे, बट अभी नहीं यार, अभी आराम से ये दोनों रह रहे हैं। दोस्तों थोड़ी देर पहले ही मैंने इनको इनका फीड दिया है और प्लेट देख लेता हूँ भाई, यहाँ पे अभी कुछ नहीं है। और मैंने देखा था भाई फीमेल फ्लोरॉन है ना भाई, इस प्लेट को क्लीन कर रही थी, मतलब बहुत जल्द यहाँ पे अंडे आने वाले हैं भाई। और गाइज आपको पता है जैसे ही मैंने हमारे मॉन्स्टर टैंक में हमारा प्लेको फिश ऐड किया तो आप साफ साफ यहाँ पे देख सकते हो भाई, थोड़ी बहुत अलगी लगी थी तो ये सारा कुछ ही निकल रहा है भाई थोड़े थोड़े। और एक हफ्ते के बाद भाई हमारा पूरा का पूरा टैंक क्लीन ही हो जाएगा। और ये रहा भाई हमारा क्लीनर फिश, ये देखो गाइज यहाँ पे बैठा है। तो चलो गाइस इनको तो मैंने फीड मॉर्निंग में ही दे दिया था, अभी अफ्टरनून वाला भी इनको फीड दे देता हूँ। अभी आप इनका अटैक देखना ठीक ना, ये अफ्टरनून वाला इनका फीड है, ये देखो गाइस पैरट फिश, देखो गाइस सबसे पहले हमारा पैरट फिश आया, वाव। चलो गाइस इनको अभी इनका खाना एंजॉय करने देते हैं। क्या कर रहा है भाई ध्रुव ये? हमें रिवर फिशिंग के लिए जाना है ना इसलिए। और हाँ यार मैं तो यार दोस्तों भूल ही गया था, हमें आज ना रिवर फिशिंग के लिए जाना है और हमें आज इस नेट का यूज करने वाले हैं भाई हमारे रिवर फिशिंग के लिए। ठीक है देखते हैं भाई इसमें हमें क्या रिजल्ट मिलता है। ध्रुव चल अभी इसको जल्दी जल्दी ना ये करते, छोटा कर भाई इसे पहले। हाँ भाई बहुत ज़्यादा गर्मी यार, ये जो टाइल है भाई तुम यहाँ पे कैसे, तू कैसा खड़ा रहता है भाई ध्रुव, मंदर आना यार भाई इतनी ज्यादा गर्मी ना यार। अभी हम लोकेशन पे पहुंच चुके हैं और यार यहाँ पे आते हैं ना एक हमें अच्छा फायदा हुआ है, ऊपर है ना यार थोड़ी गर्मी कम हो गई क्योंकि ना बादल आ चुके हैं यार, बहुत अच्छा यार हमारा लक हमारे साथ है। तो चलो भाई अभी चलते हैं और हमारे साथ मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स यार एक बार, चलो 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 रे चलो मैं जल्दी भाई। तो गाइस ये वाला है भाई हमारा इस बार का लोकेशन और ये पूरा खतरनाक, याद ध्रुव यहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ हैं और पानी भी कम है यार यहाँ पे, मतलब लास्ट टाइम हम यहाँ पे आए थे बट पानी ना उधर तक था यार, अभी पानी तो पूरा सूख ही चुका है यार, हमें सूखने का ही इंतजार कर रहे थे, जब सूखेंगे तब हम यहाँ पे आएंगे और फिशेस पकड़ेंगे। चलो भाई अभी नीचे चलते हैं, लोकेशन बहुत खतरनाक है भाई और यहाँ पे ना भाई बर्ड्स वगैरह बहुत सारे यार। ये अलगी या कलर है भाई? अलगी है भाई, है रेड कलर की भी अलगी होती है। हाँ ना यार ये देखो गाइस ये धूप की कैसी होगी भाई फुल रेड कलर में। और गाइस अभी हमें एक लोकेशन मिला है जो कि यहाँ पे बहुत सारे हमने फिशेस देखे और पानी भी कम है, तो ध्रुव यहाँ पे अपन ट्राई करते हैं भाई, मिलते हैं नहीं देखते हैं। चलो चलो व्हाइट कलर का नेट किधर है विशाल? किधर बैग बैग बैग। तो चलो भाई हमारी नेट भी अभी, भाई नेट कितनी बड़ी है यार। एक मिनट भाई, भाई 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 बहुत सारे फिश है ध्रुव, एक मिनट आराम से अरे यार एक पन्ना पकड़ना ध्रुव यहाँ ऐसा, ओके ओके आराम से इधर से जाकर ऐसा अपने को उठाना है ध्रुव, चल आने दे आने दे ध्रुव आने दे आने दे, नीचे कर नीचे कर, तू थोड़ा उतरना पानी में उतरना ध्रुव, क्या कर रहा है तू दे दे बस बस। तो गाइस हमने यहाँ पे फर्स्ट वाली फिशेस तो पकड़ ली यार, ध्रुव 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 ये चमकीली फिश है यार, बाहर बे बाहर उठ के ओके निकल के निकल रहा थोड़ा पानी उधर। तो गाइस ये देख सकते हो यार, वाओ ओए ध्रुव ध्रुव भाग रही है भाग रही है भाग रही है, ये देखो यार ओए ध्रुव यार बहुत ज्यादा एक्टिव है यार ये। तो ये देख सकते हो गाइस हमने अभी फर्स्ट गोई में ही 3 वाली फिशेज पकड़ ली है और इनका कलर भी देख सकते हैं, अरे छोटी बार में ध्रुव इनको जल्दी जल्दी पानी में छोड़ते। तो गाइस अभी हम दूसरा ट्राई करने वाले भाई यहाँ पे, अभी देखते हैं हमें कितनी फिशेज मिलते। हाँ ध्रुव आने दे आने दे आगे आने दे आने दे आने दे आगे आने दे आने दे आने दे आने दे आने दे रुक 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 ध्रुव आने दे रुक 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 ऐसे ऐसे दे दे ऐसे दे दे भाई ऐसे यहां से बगल, अरे मैं बगल उठाना, तू इधर का फिश आई है ना देखना, ये देखना भाई कितनी सारी भाई कितनी सारी आई है, ये विशाल विशाल ही विराज पकड़ा फिश। तो गाइस ये देख सकते हो यार चिलापी है ना, तिलापिया फिश, ये देखो भाई दो है ना आराम से यार, ये देखो गाइस तिलापिया फिश क्या ही लुक दे रही भाई ये, और बहुत सारी बार्बे यार ये देखो गाइस कितनी सारी बार्बे। तो चलो इनको भी जल्दी जल्दी पैक करते हैं। तो गाइस मुझे एक अलग ही बार वैरायटी की फिश मिली है, ये देखो यार इसके टेल के ऊपर एक छोटा सा स्पॉट है और काफी ज्यादा ब्यूटीफुल भी लग रही है यार ये, चलो भाई इसको भी ले लेते हैं। ये कौन सी है? ये देखो गाइस छोटी तिलापिया बहुत ही खूबसूरत,
लावेला बहुत चमक रही है यार ये। अभी हम यहाँ पे तीसरा ट्राई करने वाले भाई, दो ट्राई में हमें बहुत सारी फिशेस मिल गई ठीक है। तो चलो भाई अभी तीसरा ट्राई करते हैं। ध्रुव तेरे नीचे बहुत सारी फिश है वहाँ पे। अरे नीचे करना, तू नीचे करना, बहुत नीचे भाई। अंधे 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 आगे अंधे अंधे गाइस अभी जस्ट मुझे एक छोटा श्रिम्प मिला है जो कि पूरे ब्लैक कलर में यार। ये देखो यार, एक मिनट ही, आराम से भागेगा। इसको डाल रहे यार पानी डाल डाल डाल। दोस्तों मैंने प्लानिंग किया कि भाई यहाँ पे फिशिंग करते, बट यहाँ पे पानी बहुत खराब है, पूरी अलगी की अलगी है। और यहाँ पे ना बहुत सारे फिशेज है यार, छोटा पानी है और बहुत सारे फिशेज है। ये पानी दो दिन में ही खत्म हो जाएगा ठीक है ना। हाँ ये देखिए, देख दू ये थम था, ये देखो यार आ गए आ गए आ गए। और पानी से बाहर आ रहे यार, इनको बेचारे को ना पानी जाने के लिए जगह नहीं होगी। ये देखो यार, सही है ना। ये देखो गाइस यहाँ पे ना बहुत सारे बार वैरायटी के फिश है। ध्रुव नेट दिखा, मुझे नेट दिखाए, इसे पकड़ दो यार। मैं आ जाओ भाई, ये आ गई। हमने ना इस बार थोड़ा बर्फ भी लाया, मतलब हर बार आ लाते हैं क्योंकि अभी गर्मियों का सीजन स्टार्ट हो गया है तो फिशेज के लिए दिक्कत होती है यार लेके जाने में, पानी बहुत ज्यादा हीट हो जाता है तो इसी की वजह से हमें बर्फ लगती है। तो चलो गाइस अभी मैं सारे फिशेज यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ। तो यार हमने फिशेज तो बहुत सारी पकड़ ली दोस्तों, और सारी फिशेज मैंने इधर शिफ्ट कर दी, और इसमें हमने बर्फ वगैरह भी लाया है जो कि हमने मिल दिखा दिया। और इस बार हमने कुछ खाने का ट्राई किया, मतलब खाना बनाना था हमें, बट धूप बहुत ज्यादा थी यार तो इसी की वजह से हमने अलग प्लानिंग किया। इस बार हम बनाने वाले हैं भाई जूस, जो कि ठंडा ठंडा जूस हम बनाने वाले हैं ठीक है ना ध्रुव। हाँ तो अभी वही चल रहा है भाई हमारा प्रिपरेशन। चलो जल्दी जल्दी इसे अभी खत्म करते, फिर मैं आपको मिलता हूँ। और गाइज ये वाला जो लोकेशन है ना यार, काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है और यहाँ पे एक अलग ही मजा आने वाला है ठीक है। तो गाइज यहाँ पे अभी हमारे सारे फ्रूट्स वगैरह कट हो चुके हैं, और लाओ भाई जूस का यार। जूस तो दोस्तों मैंने घर से ही थोड़ा बनाकर लाया था। ये गाइज हमारा बन चुका है जूस, और चलो भाई इसे अभी एंजॉय करते हैं। गाइज अभी हम रिवर फिशिंग से तो आ चुके हैं, और भाई आते ही दोस्तों मैंने यहाँ पे एक चीज देखी हमारे पोलर पैरेट के टैंक में, जो कि उनके जो पेरेंट्स है छोटे छोटे बच्चों के ऊपर अटैक कर रहे थे। तो मैंने यहाँ से उठाकर सारे पोलर पैरेट के बच्चे इस वाले, ये देखो गाइज यहाँ पे भाई हमारे सारे पोलर पैरेट के बच्चे, और थोड़े बहुत यहाँ पे मरे भी हुए। और गाइस भाई जैसे ही आया वैसे देखा भाई हमारे जो फीमेल पोलर पैरेट है बच्चे के ऊपर अटैक करते जा रहे। मुझे कुछ भी नहीं समझ में आया, तो मैंने सोचा कि भाई इनको साइड में ही कर देते, क्योंकि भाई एक वक्त ऐसा आता है पोलर पैरेट्स उनके बच्चों के ऊपर अटैक करते, क्योंकि वो दोबारा अंडे देने के लिए रेडी हो जाते हैं और वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। तो गाइज अभी मैंने तो इनको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है, तो अभी हमें क्या करना है दोस्तों, इनको कहाँ पे रखे ये हमें बहुत बड़ा सवाल है। तो इनकी दोस्तों इस बार मैं हमारे पोलर पैरेट के बच्चे भाई किसी पेट शॉप में नहीं देने वाला हूँ, इस बार हम खुद ग्रोथ करने वाले हैं और भाई बहुत सारे पोलर पैरेट्स हमारे सेटअप पे करने वाले भाई ठीक है। तो मैंने सोचा है दोस्तों इनको मैं इस वाले टैंक में शिफ्ट कर दूं, क्योंकि वैसे भी ये टैंक हमारा खाली होने वाला है। वैसे तो हमारी जो रिवर वाली हमने सिकलेट या रिवर वाली जो तिलापिया फिश है वो यहाँ पे रखी थी ट्रीटमेंट के लिए, जो कि अभी पूरी की पूरी ठीक हो चुकी है यार। भाई पहले जो इनको देखा जाए ना, ये पहले बहुत ज्यादा डैमेज थी दोस्तों, तो मैंने इनको अच्छा ट्रीटमेंट दिया और दोनों हमारी सिकलेट मतलब जो तिलापिया है अच्छी हो गई, और हमारा जो ऑस्कर है ये भी अच्छा है भाई, मतलब इसको तो कोई दिक्कत ही नहीं था, बट मैं इसे लेके आ गया था ध्रुव भाई के पास से। तो इसे भी और दोनों तिलापिया फिश में इस वाले टैंक में शिफ्ट कर देते, जैसे कि हमारा ये मॉन्स्टर टैंक है ठीक है। तो चलो गाइस अभी जल्दी जल्दी मैं यहाँ से उठा तो इनको यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ, और जो पोलर पैरेट से इनको यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ। तो ये वाला हमें निकालना होगा ऊपर का नेट। ओ यार एक मिनट इसके अंदर है ना, ये गया है एक मिनट, पाइप गई है। आराम से रुक वो मत निकाल, इसे अपने को साइड में रख देना, इसे आराम से बस छोड़ दे अभी छोड़ दे। तो ये भाई पकड़ में ही नहीं आ रही यार, भाई साहब बहुत ज़्यादा एक्टिव है यार ये। पहली वाली तिलापिया मैंने पकड़ ली, और इसे अभी मैं छोड़ने वाला हूँ भाई हमारे मॉन्स्टर टैंक में। ये गई दोस्तों हमारी पहली वाली तिलापिया, वाह। अभी हमारे ऑस्कर फिश की बारी, जो कि बहुत ज़्यादा एक्टिव है और ख़तरनाक है भाई ये। ये देखो गाइस आराम से, ओ भाई 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 भाई, ये हो गया दोस्तों हमारा फुल्ली ब्लैक ऑस्कर। तो मैं इसे भी यहाँ पे छोड़ देता हूँ भाई, हमें यहाँ पे ध्यान रखना होगा क्योंकि इसके ऊपर हमारा बॉब भी अटैक कर सकता है। ये देखो गाइस ये फुल्ली ब्लैक है यार, और हमारा बैक बैकग्राउंड है तो ये पूरा मैचिंग हो गया यहाँ पे, तो ये इतना ज्यादा ब्यूटीफुल नहीं दिखने वाला है भाई। अभी हमारी सेकंड वाली जो तिलापी फिश है, इसको भी मैं यहाँ से पकड़ लेता हूँ आराम से भाई 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 भाई, बहुत ज्यादा एक्टिव है यार ये।
ये देखो गाइस, मैंने इसे भी पकड़ लिया, तो चलो इसे भी हमारे मॉन्स्टर टैंक में शिफ्ट करते हैं। ये गई भाई हमारी सेकंड वाली फिश, इनको मैं पकड़ रहा हूँ। ये आ गए भाई हमारे पोलर पैरेट्स के सारे बच्चे, तो चलो गाइस इनको भी मैं अभी छोड़ देता हूँ इस वाले टैंक में। आराम से छोड़ना होगा भाई इनको, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भाई साहब। ये देखो गाइस, जाओ 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 भाई, जाओ भाई तुम्हारे न्यू होम में। अभी यहाँ पे इनको कोई खतरा नहीं होगा, इनको मैंने हीटर भी लगाया है। ये गए दोस्तों हमारे सारे पोलर पैरेट के बच्चे। ओ भाई साहब, ये देखो भाई, ये सारे के सारे यहाँ पे बैठे हैं। वाह, मैंने यहाँ पे सारे बेबी पोलर पैरेट शिफ्ट कर दिए, तो इनको यार थोड़े दिनों के लिए हमें यहीं पे रखना है, और इनके लिए एक बड़ा सा पॉन्ड भी बनाने वाला हूं। सिर्फ पोलर पैरेट रहेंगे उसमें, प्लानिंग चल रहा है हमारा, देखते हैं अभी। और कल अभी हमें क्या करूंगा, हमारा जो पेयर है भाई पोलर पैरेट का, उनको भी हमें मटका देना होगा, क्योंकि मटका देने से ही वो दोबारा अंडे दे पाएंगे वहां पे। गाइस मैं अभी हमारे पोलर पैरेट का जो वाटर है वो चेंज कर रहा हूँ, और मैंने ना भाई इस बार इनके लिए थोड़ा बड़ा वाला मटका लिया है, क्योंकि हम हर बार छोटा छोटा मटका देते थे भाई, बट इस बार मैंने इनको बड़ा ही मटका दिया है भाई। ठीक है, देखते हैं भाई इस बड़े मटके में क्या रिजल्ट आता है दोस्तों। और ये रहा भाई हमारा पोलर पैरेट का पेयर, और फीमेल भी देख सकते हो भाई, अभी ना ऐसी बड़ी बड़ी हो गई यार। मुझे तो ऐसा लगता है ना, ये जरूर एक दो दिनों में अंडे देने ही वाली है, इसी की वजह से ये उसके बच्चों के ऊपर अटैक कर रही थी यार। ये व्हाइट वाली है ना, बहुत ज्यादा अटैक कर रही थी यार ये, और ये मेल हो गया दोस्तों। तो चलो गाइस अभी इनका मैं पूरा पानी भर देता हूँ, और इनका अच्छे से मैंने टैंक भी क्लीन कर लिया, तो चलो भाई इधर तक तो बढ़ना ही हमें। गाइस मैंने अभी क्या देखा पता है, हमारे दोनों कैटफिश के अंदर मैंने कुछ एप्पल सेल्स ऐड किए हैं, जो कि ये देख सकते हो भाई, ये हमारी टाइगर शोवेलनेस कैटफिश का टैंक हो गया। और यहाँ पे एक मिनट, ये देखो गाइस, ये हमारे एप्पल सेल ने यहाँ पे भी अंडे दे दिए, और ये हमारा हो गया भाई रेडटेल कैटफिश का टैंक, जो कि इधर भी अंडे दिए भाई। ये देखो गाइस, मतलब दोनों ने, दोनों एप्पल सेल ने मतलब यहाँ पे भी कोने में, इस कोने में अंडे दिए, और यहाँ पे भी सेम इस कोने में अंडे दिए। गाइस आपको मैं अभी लाइव दिखाने वाला हूँ भाई हमारा प्लेको फिश की क्लीनिंग। ये देखो गाइस, ये हमारे मॉन्स्टर टैंक की बहुत अच्छे से क्लीनिंग कर रहा है। आगे से जितना भी आपको ब्लर दिख रहा था ना, ये पूरा का पूरा अभी धीरे धीरे करके सारा निकाल देगा। ये मैं कब का देख रहा हूँ भाई इसे, ऐसे ही मतलब पूरा अगला वाला कांच क्लीन कर रहा है। और गाइस यहाँ पे भाई हमारी ज्वेल फिश, ये देखो यार इनकी नेट, अरे यार एक मिनट, इनकी नेट मुझे अच्छे से सेट करने होगी पहले। ये हो गई भाई, अरे भाई साहब ये तो नहीं चाहिए, अरे पोलर पैरेट की वो, बट अभी इनको दे देते ना, पोलर पैरेट वैसे भी जंप नहीं करते। ये देखो गाइस, हमने हमारे ज्वेल फिश लाए थे भाई, इनको बिल्कुल भी कलर नहीं था गाइज। और ये देखो गाइज, अभी हमारे यहाँ पे आते ही मैं इनको अच्छा फूड दे रहा हूँ, तो इनको कलर आने लगा है भाई। ये देखो, ये वाला तो पूरा रेड हो गया भाई, क्या ही खूबसूरत लग रहा है, और हल्का सा रेड होना स्टार्ट हो चुके भाई हमारे सारे ज्वेल फिश। पता नहीं यार और 7 दिनों में क्या रिजल्ट देते हैं ये। ये देखो भाई, हमने जब लाए थे ना दोस्तों, ये मेरे दोस्त के फार्म से पूरे के पूरे फेंट थे भाई ये। ये देखो गाइज क्या ही कलर आ रहा है भाई इनको, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल, और ये देखने में बहुत ज्यादा क्यूट है। अरे भाई क्या हुआ था, ज्वेल फिश मुझे बहुत ज्यादा पसंद लगी यार, मैंने तो फर्स्ट टाइम लाया था बट मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ गई। ये देखो यार, वाओ बंद हुआ। हाँ यार ये देखो गाइज, अभी ये फूल भर जाता ना। और गाइज मैंने अभी जस्ट देखा, अभी जस्ट एरिन का पानी चेंज किया भाई और मटका दिया। ये देखो दोनों पोलर पैरेट हमारे मटके के अंदर चले गए। ये देखो भाई लाइव देख सकते हो, यहाँ पे फीमेल पोलर भी आ गई और मेल पोलर भी आ गया। पता नहीं यार ये कल ही अंडे देने वाले ऐसा मुझे लग रहा है। जेलीफिश ऐड किया था हमारे सेटअप में, जो कि भाई हमारे मॉन्स्टर फिश ने इसे मतलब पूरा ही तोड़ दिया है। मुझे पता था हमारे पैरोट फिश बहुत खतरनाक है, ये वाला जो पैरोट फिश है ना ऑस्कर फिश के साइड में, ये बहुत खतरनाक है यार, बिल्कुल भी मतलब सुनता नहीं। और गाइज मैं आज गया था रिवर फिशिंग के लिए, और वहां पे जाके हमें बहुत ज्यादा दिक्कत आई यार। तो चलो ठीक है, और आपको पता है यार हमने पोलर पैरेट का पूरा सफर देखा यार, ये अंडों से कैसे हैच होते, उनके पेरेंट्स उनकी कैसे केयर करते, और हमने उनको लास्ट में कैसे साइड में किया, मतलब आज ही किया भाई। तो ऐसा होता है भाई इनका पोलर पैरेट का ब्रीडिंग, आपने तो पूरा देखा ही होगा, हर रोज आप लॉग देखते होगे तो आपको अच्छा इनका नॉलेज आया ही होगा। और अभी तो फिर से ये अंडे देने के लिए रेडी भी हो चुके, तो देखा ही होगा भाई। तो चलो भाई थोड़ा बहुत तो आपको नॉलेज मिला ही होगा भाई। तो चलो गाइस इसी के साथ आज का वीडियो मैं एंड करता हूँ, और आपको आज का वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।